अच्छा देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या चीज? इसके लिए हम एक स्टोरी देखते हैं। स्टोरी है कि दो बंदे हैं, एक बंदा आपका जमीन पे है, ठीक है, और एक बंदा आपका दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब देखो करना क्या है हमने, मुझे एक चीज बताओ। अगर एक मैं इंसान की बात करूं, बाय डिफॉल्ट वो हमेशा ना सामने देख रहा होता है। ये नहीं है कि वो नीचे देख रहा होगा या राइट पे देख रहा होगा या लेफ्ट पे देख रहा होगा या बिल्कुल आसमान की तरफ देख रहा होगा। बाय डिफॉल्ट उसकी लाइन ऑफ साइट जो होती है ना वो सीधी होती है। यानी अगर मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ तो पता है किसना होगा, ये इंसान की अगर आंख है तो वो इस तरह से कहीं देख रहा होगा सीध में, ठीक है, अगर वो अपनी गर्दन ना हिलाए। और जो ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है येलो कलर से जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया, वो भी बाय डिफॉल्ट कहाँ देख रहा होगा, बिल्कुल सीध में। तो सबसे पहली जो चीज हमें समझने वाली है ना वो ये कि किसी भी इंसान की बाय डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये नीचे वाला बंदा बाय डिफॉल्ट सीधा देख रहा है और इसको अपने दोस्त को देखना हो तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, जब तक उसको अपने दोस्त नहीं दिख जाता। तो अगर हम उसको लाइन से रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरह देखेगा अपने दोस्त को उसकी आंखों में। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, आपकी डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट जो होती है ना, उससे जितना डिस्टेंस आ रहा है आपके देखने का, ये होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी नीचे से ऊपर देखना, नीचे से कभी भी ऊपर देखोगे वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको यहाँ पे लिख लो, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा ये तो बात ही नीचे वाले बंदे की, एक ऊपर वाला बंदा भी तो हो सकता है। ऊपर वाला बंदा अगर बाय डिफॉल्ट सीध में देख रहा है और उसको अपने दोस्त को देखना है तो थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, वो जब तक नीचे आएगा जब तक उसको अपने दोस्त की आंखें नहीं दिख जाती। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा क्या होता है कि आप अपनी डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट से जितना नीचे देख रहे हो वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ये आपका कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये वाला है, ये जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन रिप्रेजेंट करता है वो। तो एक चीज याद रख लो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो भले एंगल ऑफ एलिवेशन हो, वो आपका ना हमेशा बनता है डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट से। और आपकी डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हमेशा एक स्ट्रेट होती है हॉरिजॉन्टल में। यानी ये बंदा सीध में देखेगा, ये बंदा सीध में देखेगा, ऊपर वाला बंदा इस सीध से जितना नीचे देखेगा ना वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, नीचे वाला बंदा इस सीध से जितना ऊपर देखेगा वो आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। कभी भी ये नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ किससे तुम किस चीज को बेस बना रहे हो ना, कोई बेस ही नहीं है आपकी। आपकी बेस जो होगी वो तो ये होगी ना जो आपकी डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट है, तो ये तो मसला हो जाएगा। तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी नहीं हो सकता। एक चीज याद रख लो कि मुझे अगर तुम कॉमन सेंस से सोच के बताओ कि जितना नीचे वाला बंदर कह रहा हूँ, सॉरी, नीचे वाला बंदा ऊपर देखेगा उतना ही तो ऊपर वाला बंदा नीचे देखेगा। ये तो नहीं है कि ये वाला बंदा इसकी तरफ देख रहा है, सही है, जितना इसकी तरफ गर्दन ऊपर करके देख रहा है ये वाला बंदा बिल्कुल ही गर्दन नीचे करके देख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। ये नीचे वाला बंदा जितनी गर्दन ऊपर करेगा ऊपर वाला बंदा उतना ही नीचे गर्दन करेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं, ये बात दिमाग में बिठा लो आज के बाद से। सबसे पहली पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन, टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा अब इसको मैथमेटिकली बात करते हैं इसकी। अभी पहले मैं तुम लोग को एक लॉजिक के हिसाब से चीज समझाती, अब मैथमेटिकली देखो, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जो है ये बिल्कुल सीध में जा रहा होगा, ठीक है, ऊपर वाले बंदे का जो लाइन ऑफ साइट होगी वो भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, वो बिल्कुल सीध में जा रही होगी। इन शॉर्ट ये दोनों जो लाइन ऑफ साइट्स है ना ये आपकी पैरेलल होती है। और हमने एंगल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर आपकी दो पैरेलल लाइन हो और उसको एक तीसरी लाइन आके कट करे तो उसके इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते थे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या लग रहा होता है, जी प्रॉपर्टी, जीरो लग रहा होता है यहाँ पे। तो ये तो था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस पे आ जाओ।
सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें एक डायग्राम दी हुई है 24 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, तीनों लेंथ गिवन है। क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी बंदा कहीं ऊपर होगा और वो नीचे वाले बंदे को देख रहा होगा। डिप्रेशन का मतलब हमेशा ये ऊपर से नीचे, डाउनफॉल है तुम्हारा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बी फ्रॉम डी, फ्रॉम डी, देखो ये कीवर्ड याद कर लो, बी फ्रॉम बी या कोई भी और अल्फाबेट लिखा, वो फ्रॉम का क्या मतलब है? अगर तुम बोलो आई एम फ्रॉम कराची, ठीक है, आई एम फ्रॉम कराची का क्या मतलब है कि तुम कराची से हो। अगर वो बोल रहे हैं बी फ्रॉम डी, इसका मतलब है कि तुम डी पे खड़े हुए हो, डी पे खड़े हुए हो और बी को देख रहे हो, तो पॉइंट डी पे खड़े हुए हो और बी को देख रहे हो। अगर मैं डी पे एक हॉरिजॉन्टल बनाऊं इस तरीके का, कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट, डी पे एक बंदा अगर खड़ा हो, उसका डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होगा, यानी सीधा देख रहा होगा, उसको नीचे देखना है, यानी इस लाइन ऑफ साइट से जितना वो नीचे देखेगा, ये आपका होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन या एओडी। एओडी कोई आपका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मैंने सिर्फ जगह कम है इस वजह से एओडी लिखा है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर जो बंदा डी पे खड़ा हुआ है, उसका डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट से वो जितना नीचे देख रहा है, उतना ही तो बंदा जो नीचे बी पे खड़ा होगा वो अपनी डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट से ऊपर देखेगा। और अभी मैंने तुम लोग को एक चीज बोली कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यानी ऊपर वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस एंगल के इक्वल होगा, ये आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन। इन शॉर्ट ये चैप्टर आपका कहाँ काम आता है, जब आपको यही नहीं मालूम है कौन सा एंगल निकालना है और वो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन की टर्म से बात करें। हमने ये वाला एंगल निकालना था, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम लेबलिंग करें, इसके सामने वाली साइड आपकी कहलाएगी ऑपोजिट, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाएगी आपकी हाइपोटन्यूज, और तीसरी साइड आपकी कहलाती है एडजेसेंट। देखो तीनों लेंथ गिवन है, तीनों में से कोई भी यूज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों से आंसर सेम आना है। तो एक काम करते हैं, ऑपोजिट और हाइपोटन्यूज यूज कर लेते हैं, किस में आता है, साइन में, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटन्यूज, तो थीटा की वैल्यू मालूम नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू ऑपोजिट, कितना है, ऑपोजिट है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 26, तो 24 डिवाइड बाय 26 की वैल्यू तुम लोग कैलकुलेटर में निकालोगे, और अगर एंगल बी निकालना है तो साइन इनवर्स और फिर आंसर की दबा दोगे। तो पहले 24 डिवाइड बाय 26 निकाल लेते हैं और फिर साइन इनवर्स में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू 67.38 डिग्री, और इसको 1 डेसिमल बेस पे राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 67.4 डिग्री। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, और देखो वही चीज कि जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वही हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, तो यही एंगल आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है, ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। अच्छा जी, अब इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमें डायग्राम कोई भी नहीं दी हुई, इसका मतलब डायग्राम हमने खुद बनानी होगी, हमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी दी हुई है। क्या कह रहा है, अ बिल्डिंग इज 40 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है जो 41 मीटर हाई है। बिल्डिंग आपकी जाहिर सी बात है वर्टिकल ऑर्डर में होती है, कुछ इस तरह की होगी, सिर्फ एक रैंडम स्केच बनाया मैंने। इसकी लेंथ कितनी है, 41 मीटर। गिवन दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जहां भी डिप्रेशन का वर्ड दिखे इसका मतलब है कहीं ऊपर खड़े हुए होगे तुम और नीचे की तरफ देख रहे होगे। डिप्रेशन ऑफ अ फायर हाइड्रेंट, अच्छा यहाँ से हमें पढ़ के समझ आई कि यहाँ कहीं बिल्डिंग के टॉप पे बंदा खड़ा होगा, ठीक है, और वो नीचे देख रहा होगा फायर हाइड्रेंट को, यहाँ पे कहीं आपका फायर हाइड्रेंट होगा। तो कह रहे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ फायर हाइड्रेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 33 डिग्री, यानी हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो टॉप पॉइंट है ना बिल्डिंग का, यहीं पे आपका बंदा खड़ा है, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं अपनी लाइन ऑफ साइट बना देते हैं, ये लाइन ऑफ साइट है आपकी और ये नीचे की तरफ देख रहा होगा, यहाँ से ये आपका बिल्कुल जमीन पे फायर हाइड्रेंट है। तो बंदे की लाइन ऑफ साइट से नीचे जितना देखते हैं वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये कितना गिवन है हमारे पास, 33 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फायर हाइड्रेंट एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अगर ये हमारा फायर हाइड्रेंट था और ये हमारा बिल्डिंग का फुट था, हमें कह रहा है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बता दो। तो एक काम करते हैं इसको एक लाइन से जोड़ लेते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ हमारी ऑब्वियस क्या होती है, 90 डिग्री।
हमें बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये एक्स हो गया। अब अगर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 33 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना होगा, 33 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 33 डिग्री। अब देखो आपको एक एंगल पता चल गया, एक साइड मालूम है और दूसरी साइड ढूंढनी है। तो सीधा सीधा यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेबलिंग कर लो, जो एंगल यूज कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड ऑपोजिट, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटन्यूज, और तीसरी साइड जो बच जाती है वो क्या कहलाती है, एडजेसेंट। ऐसा ही, अच्छा जी। तो हमें ऑपोजिट को यूज करते हुए एडजेसेंट की लाइन निकालनी है। ऑपोजिट और एडजेसेंट किस में आते हैं, टेन टेन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो टेन थीटा की वैल्यू है आपकी 33 डिग्री, इक्वल्स टू ऑपोजिट है 41 और एडजेसेंट है अननोन। जब भी आपका अननोन वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो और दूसरी साइड की सारी चीजें मालूम हो, इनकी जगह स्विच कर दो, एक्स ऊपर 10 33 की जगह आ जाएगा और एक्स की जगह 10 33 आ जाएगा। तो 41 डिवाइडेड बाय 10 33, 41 डिवाइडेड बाय 10 33, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 61.595 मीटर। ये बेसिकली आपका पूरा डिस्टेंस आ गया फायर हाइड्रेंट से लेके बिल्डिंग तक का। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इस तरह एक और क्वेश्चन है, देखो टू बिल्डिंग्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आर 120 मीटर एंड 85 मीटर टॉल। दो बिल्डिंगे हैं, पहले एक थी अब दो है। एक काम करते हैं बना लेते हैं, एक बिल्डिंग आपकी 120 मीटर टॉल है और एक बिल्डिंग उससे छोटी है, तो उसको छोटा बना लेते हैं। एक बिल्डिंग 120 मीटर टॉल है तो दूसरी कितनी है, 85 मीटर टॉल। अच्छा जी, रिस्पेक्टिवली गिवन दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कहीं नीचे खड़े हुए होगे और ऊपर देख रहे होगे, ऑफ द टॉप ऑफ द टॉलर बिल्डिंग, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कहाँ दिखा रहे, एंगल ये वाला सॉरी इस बिल्डिंग के टॉप पे दिखा रहे, फ्रॉम द टॉप ऑफ शॉर्टर बिल्डिंग। आप शॉर्टर बिल्डिंग पे खड़े हुए हो और टॉप वाली बिल्डिंग देख रहे हो। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट वाली बिल्डिंग का अगर हम लाइन ऑफ साइट बनाए, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसकी डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट इसमें हॉरिजॉन्टल होगी और वो यहाँ से ऊपर की साइड देख रहा है, और कितना एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताया हुआ, 33.9 डिग्री। 33.9 डिग्री, और ये हमारा हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। अच्छा जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। अब देखो हमें ये ट्राइंगल सिर्फ पता है जिसका एक ही एंगल पता है, बाकी कुछ भी नहीं मालूम। मुझे बताओ अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 120 मीटर थी और यहाँ से लेके यहाँ तक की 85 थी, अगर 120 में से 85 माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो 120 माइनस 85 कितना हो जाएगा, 35। 5 10 प्लस 20, हाँ ये आपके पास आ जाएगी 35 मीटर। ठीक है, अच्छा इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे ये 35 मीटर है। इसको कर लेते हैं इस कलर से। अब ये अगर हम ट्रायंगल देखें, उसका एक एंगल मालूम है और एक साइड भी मालूम है, और हमने ये वाली साइड बतानी है, तो आसान है, हम लेबलिंग कर लेते हैं। इस एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या कहलाती है, हमेशा ऑपोजिट। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, और तीसरी साइड जो बच जाती है वो क्या कहलाती है, एडजेसेंट। अब देखो ऑपोजिट को यूज करते हुए हमने एडजेसेंट निकालना है, यानी फिर से क्या ढूंढना है, टेन का रेशो। तो 10 थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो 10 थीटा की वैल्यू है 33.9 इक्वल्स टू ऑपोजिट की लेंथ थी आपकी 35, एडजेसेंट की वैल्यू थी अननोन, वो एक्स हो जाएगा। जगह स्विच कर लो, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 35 ओवर 10 33.9। इसका कैलकुलेटर में आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है, 35 डिवाइडेड बाय 10 33.9, ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स का 52.085 मीटर। ये हमारा बेसिकली डिस्टेंस आ गया दो बिल्डिंग्स के बीच में। ठीक है जी।